हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे वर्कशीट। वर्कशीट सब्जेक्ट इज मैथ मैथमेटिक्स। वर्कशीट नंबर 14, डेट है 10th of September, क्लास 7th। नेम ऑफ द स्टूडेंट यू कैन राइट हियर, नेम ऑफ द क्लास टीचर यू कैन राइट हियर। तो वर्कशीट टॉपिक इज लाइंस एंड एंगल्स। ओके, रेखा और एंगल्स कौन, यानी कि लेट्स रिकॉल पॉइंट। नो साइज ओनली पोजिशन। पॉइंट इज लाइक दिस, जो हम पॉइंट लगाते हैं लाइक दिस। तो पॉइंट इज कोई साइज नहीं होता पॉइंट का, बस ओनली पोजिशन होती है। सपोज दिस इज अ लाइन और ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाया है या यहाँ लगाया है या यहाँ लगाया है, दिस इज अ पॉइंट। ओके, एंड लाइन नो फिक्स मेजरमेंट, अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट बाई टू कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, लाइन इज जिसकी कोई दिस लाइन जिसकी मेजरमेंट नहीं है कोई। ठीक है, जैसे दोनों ही डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होती जाती है। ठीक है, हो भी सकती है, हो रही है, तो दिस इज नो लिमिटेशन। और इसको हम या तो हम दिस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में। ये वाई छोर हो गया, ये दिस एक्स एंड हो गया, एक्स एंड ए वाई एंड। ठीक है, एक्स वाई, यानी कि हम इस लाइन को एक्स वाई भी बोल सकते हैं और एम कैपिटल स्मॉल लेटर में। ओके, लाइक दिस, ये एग्जांपल में दिया गया है। ओके, नाउ इज लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंट बाय टू कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ए एंड बी, जैसे कि ए बी या एक्स वाई। बेसिकली द पार्ट लाइन सेगमेंट इज जिसकी एक लिमिटेशन हो, फिक्स हो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होनी है। ओके, स्टार्ट द पॉइंट ए एंड एंड द पॉइंट बी। ठीक है, दैट इज लाइन सेगमेंट। ओके, एंड देयर इज नो लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन जिसकी एक्सटेंड दोनों तरफ अपोजिशन में अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, नो लिमिटेशन। एंड देन रे, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली रिप्रेजेंट बाई टू कैपिटल लेटर फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट। ओके, सो रे इन द सेंस के एक पॉइंट से शुरू हो और इन्फिनिटी हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है। सो लाइक दिस, ये एग्जाम्पल में आप देखेंगे देयर इज अ लाइन। ठीक है, ये ओ इस पॉइंट से शुरू हो रही है और इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने ऐसा मान लिया कि वो पी पॉइंट, सपोज पी ए, जो भी पी आपको मानना है वो आपने माना, राइट। और रेज इन द सेंस या सन रेज, सन की जो रेज होती हैं वो सन एक पॉइंट से निकल रही है सन, और डिफरेंट लाइक होल वर्ल्ड में, होल अर्थ पे वो रेज आ रही हैं। ठीक है, सो दैट इज द इन्फिनिटी, नो लिमिटेशन। सो इसको हम रेज बोल रहे हैं। ओके, लेट गो नेक्स्ट। हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। तो पॉइंट से तो हाउ मैनी रेज, यानी कि कई रेज निकल सकती हैं, लाइक दिस। एक पॉइंट है ये, इसे एक से तो इन्फिनिटी है, ऊपर भी ये एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर बन जाता है कि कई इन्फिनिटी रेज निकलती हैं, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी, नो लिमिट। ओके, सो गो फर्दर। एंगल, नाउ इज एंगल। An angle is a figure formed by two rays is called arm of angle and common initially point is called vertex and angle is measured in degree represented by angle O or angle OP, POQ or QOP. So angle O, angle हम उसको बोलेंगे लाइक के एक पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं, लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, दो लाइन निकल रही है और उन लाइन को भी पॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का बन रहा होगा वो एंगल होता है, राइट। और एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एंगल का इस तरीके से साइन होता है एंगल। इसको हम इस जो एग्जांपल, ये एग्जांपल जो दिया है, इसको एंगल ओ, यानी कि ओ इज अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एंगल क्यू ओ पी और एंगल पी ओ क्यू, ये तीनों ही सेम है, कुछ भी बोल सकते हैं हम ये, राइट। बिकॉज ओ इज अ कॉमन, ओ इज वर्टेक्स, वर्टेक्स होती है ये जहाँ से दो लाइनें जुड़ रही है। ठीक है, इट्स कॉल्ड आर्म
ऑफ द एंगल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड कॉमन इनिशियल पॉइंट, जहाँ से लाइनें शुरू होती हैं उनका दोनों का कॉमन पॉइंट जो है वो वर्टेक्स है। ओके, और इसको हम डिग्री में काउंट करते हैं कि एंगल हमेशा डिग्री में होते हैं, कितना डिग्री का एंगल है बनाते हैं ना, कितने डिग्री के आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें बोलते हैं कि बॉल इतने डिग्री के एंगल से स्विंग हुई या इतने डिग्री के एंगल से बॉल को स्पिन किया गया। सो लाइक एंगल क्या है कि ये इस तरीके से जैसे कि दो रेखाएं होती हैं जो आपस में कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। ओ ए बी, दैट इज अ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री यानी कि ऐसे एल सा बना होगा या फिर राइट का, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल। दिस इज एंगल, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री के बाद ये एंगल ऐसे तो है, 90 डिग्री है, अगर एक इस तरीके से और हो जाए, ठीक है, ये भी एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये 90 से तो कम होगा, यानी कि सपोज मान लेता हूँ कि मैं ये 30 है, 30 डिग्री एंगल है और 60 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो ये 90 इस तरीके से 90 में ही दो पार्ट हो गए, इसके 60 30 या 30 60 कुछ भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, सो गो फर्दर, कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? स्ट्रेट लाइन बी एंगल क्या हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, ठीक है। अगर सपोज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम और एक्सटेंड करते जाएं, एक्सटेंड करते हैं और 90 डिग्री और एक्सटेंड करते हैं, तो फ्लैट लाइन तो हो ही जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी वो, तो 90 90, ये 180, ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 ऐसे बन रहा है हमारा, L बन रहा है, और इसको 90 और हम कर दें तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा ना, ये हट के जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी फिर, राइट। तो 180 या कैन बी, हम श्योर बोल सकते हैं, यस, इसका आंसर यस। ओके, लास्ट नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। If the sum of measures of two angles is 90 degree, then it is called complementary angle. Okay, so complementary angle क्या होगा कि दो angle जिनका sum 90 degree है तो उनको हम complementary angle बोलेंगे। Okay, जैसे कि ये मैंने जो example में बताया था, ये complementary angle है, ठीक है, 60 30, दोनों को sum करते हैं तो 90 degree निकलता है। Okay, so next, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गया, अब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन इट कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, सो 180 डिग्री, सपोज एक एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल कि 90 डिग्री तो हमारा ये एल होती है, हम और 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, और एक ये, ठीक है, इसको हमने कर दिया 30, और इसको सपोज एक मान लेता हूँ मैं, एग्जांपल अभी ऐसे ही लेके चल रहे हैं, 150, ठीक है, तो इन दोनों का सम हो रहा है 180, है ना, तो 180 हो रहा है, तो ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब आ जाते हैं एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल, एंगल बिसाइड ईच अदर, इफ एनी टू एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म ऑन एनी वन साइड, दे आर कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल। लाइक कॉमन आर्म ओ आर, कॉमन वर्टेक्स ओ, OP और QR इज अ नॉन कॉमन आर्म। ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ये एक एंगल बनाया है, ये कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ से एक ये, ठीक है, थ्री लाइंस बिगन हो रही हैं, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है? O इज अ कॉमन वर्टेक्स, और आर्म, कॉमन आर्म क्या है कि ये एक पूरा एंगल है, और इस एंगल को बीच से डिवाइड कर दे एक और, तो ये R जो है इस एंगल में भी कॉमन है और इस एंगल में भी कॉमन है, तो कॉमन आर्म is OR, or is common R, common vertex O, this is a common vertex, और OP and QR, OP एक अलग आर्म है, जो हो सकता है कि 60 डिग्री एंगल हो, ठीक है, और OQ एक अलग आर्म है कि जो 30 डिग्री हो, ठीक है, तो that is called adjacent angle, ठीक है, जिसका common vertex हो और common आर्म हो, okay? Let's go further.
जैसे ये अनऑन कॉमन, एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल दो एंगल हैं दोनों पेयर हो गए एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर लीनियर पेयर, अ लीनियर पेयर इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट आर्म। ओके, सो लीनियर पेयर यानी कि दो लीनियर पेयर इज अ पेयर, दो एक तो सिंगल नहीं होगा, वो कभी पेयर होगा, पेयर पेयर होगा तो एडजेसेंट का पेयर होगा, बट उसका जो नॉन कॉमन है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे होंगे। जब अभी 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 यहाँ पे हमने देखा कि सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। बट लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि यहाँ पे ये वाली आर्म जा रही है इस डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट ये वाली आर्म डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर है ओ पी, ओ पी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कॉमन आर्म भी नहीं है, बट ये एडजस्ट मतलब एंगल तो बना रही है, देखो ये कॉमन वर्टेक्स तो ओ हो गया, ओ से ये बना रही है एंगल, ठीक है। और एक ये और ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एज अ लीनियर यानी कि ये बनेगा 180 पे, 180 पे अपोजिट दोनों डायरेक्शन पे लाइन बन सकती है, आर्म बनती है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल होगा कि 180 की डिग्री पे होंगे और उसमें कोई ना कोई कॉमन वर्टेक्स होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म होगी, जो नॉन कॉमन है, ये इसमें है, इसमें है, बट इसमें नहीं है, है ना, इसमें नहीं है ये कॉमन, बट किसी मतलब ये कॉमन नहीं है और ये भी कॉमन नहीं है, दोनों नॉन कॉमन है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस, अब क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई गिवन बिलो एंगल एंड राइट देयर नेम, हिंट दी हुई है एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो यहाँ देख लेते हैं, सो ये फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे आप, यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो ओके, सो दैट इज़ द 50 डिग्री और 130 डिग्री, यानी कि 130 प्लस 50 डिग्री, दो कॉमन दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है, देन हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, देन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सो दैट इज सप्लीमेंट्री, सो यू कैन राइट हियर दिस द आंसर इज सप्लीमेंट्री एंगल। और नाउ दिस, दिस इज द सेकेंड, सो वन एंगल, दिस वन इज वन एंगल एंड दिस वन इज अनदर एंगल, ओके। सो दिस इज 90 से ज़्यादा, सपोज 120 डिग्री, और ये 80 डिग्री सपोज, सो एनी वे, सो दिस अ लीनियर पेयर, बिकॉज जो ये वर्टेक्स हो इनका, सपोज वर्टेक्स ओ हमने यहाँ पे माना, तो वर्टेक्स तो दोनों का दोनों एंगलों का कॉमन है, एक ही वर्टेक्स है, ठीक है। और दोनों में ये एडजेसेंट एंगल भी है, क्योंकि इस तरीके से ये एक कॉमन है ओ, यहाँ पे आर मान लेता हूँ, और इसको मैं सपोज क्यू और पी मान देते हैं, ठीक है। सो ये जो ओ आर है, ये वाली आर्म जो है दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है और इससे भी कॉमन है, इसमें कॉमन और इसमें भी कॉमन, राइट। बट जो नॉन कॉमन आर्म है, दोनों क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट आर्म, नॉन कॉमन ये और इसके लिए ये, दोनों नॉन कॉमन है और अपोजिट, और दो एडजेसेंट मतलब पेयर है, ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। दोनों की कॉमन ये है, कॉमन वर्टेक्स है, तो इसको हम अभी हमने ये पढ़ा ही था, लीनियर पेयर, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट आर्म, ठीक है। सो यू कैन राइट द आंसर लीनियर पेयर, ओके। एडजेसेंट एंगल भी बन रहा है ये, बट लीनियर पेयर इज राइट आंसर, एडजेसेंट एंगल भी है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज दो एंगल तो बन ही रहे हैं। सो एनीवे, लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 3, पिक्चर 3। सो सपोज एक वर्टेक्स जो है द कॉमन ओ ए बी सी, एंड ओ एंड बी ये आर्म कॉमन है दोनों में, इस एंगल में, इस एंगल में, ठीक है। तो दैट इज द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, ठीक है, आप एंगल लिखिएगा, ओके। नाउ लेट्स टेक अ दिस, दिस अ 90 डिग्री एंगल, वर्टेक्स इज कॉमन, आर्म इज कॉमन, ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, बिकॉज अगर देखा जाए तो जो 90 डिग्री तो है, बट यहाँ पे दिया नहीं है 90 डिग्री, बट हम मान ही सकते हैं बिकॉज एल है, राइट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस पूरे का टोटल, दोनों एंगलों का टोटल, इसका, इस एंगल का और इस एंगल का, ठीक है, जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये पूरा ही है, तो इसको हम
एडजेसेंट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं इसको, राइट। ओके सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर टू। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फिगर क्या है कि जैसा अपोजिट डायरेक्शन की दो आर्म हैं, ठीक है, लीनियर पेयर है गया ये, और एक एंगल 150 का दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो हम इस तरीके से देखेंगे कि 180 यानी कि जो 180 है, जो हमारा ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हमें किससे मिलेगा। इसको भी देखिए, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी बन जाता है अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो 180 ये पूरा का पूरा जो है। चलिए इसको देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर टू को। 180 इज इक्वल टू एक्स, हमने वैल्यू मान लिया, अभी एक्स को हम प्लस 150। नाउ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो क्या आ रहा है 30, तो वैल्यू इज 30 डिग्री, ठीक है। 180 हो जाएगा ना, 150 और 30, तो 180 डिग्री हो गया ये। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर थ्री। नेम द एंगल व्हेन द टाइम इन अ क्लॉक इज 3:30 PM, इज इट ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स और एक्यूट एंगल्स, कौन सा एंगल है। सो लेट्स टेक, हम एक क्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा राउंड नहीं हुआ है, 12, 3, 6, 9 इस तरीके से होते हैं, ये 180, ये इस तरीके से 180, राइट, ये एल, राइट, एल डायरेक्शन 90 डिग्री, देन ये 180 डिग्री, देन ये रिफ्लेक्ट नीचे माइनस में जा रहा है, और ये यानी कि 330 बजने हैं, तो क्या होता है, ये 3 पे होती है और ये इधर नीचे होती है, तो ये वाला एंगल देखना पड़ेगा हमें, ये एंगल 330 के लिए, ठीक है। तो 180 से डाउन है, यानी कि ये 90 डिग्री के बिल्कुल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके बिल्कुल नीचे, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो 180 से जो ओवर होते हैं एंगल, लाइक के जो बड़े 180 से भी ज़्यादा निकल जाता है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये नीचे की तरफ है, तो हमारे जो अपोजिट है रिफ्लेक्ट, यहाँ पे आप आंसर बना सकते, लिख सकते हैं इसको रिफ्लेक्स, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर इज रिफ्लेक्ट, ठीक है, मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है आपकी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली और वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।